hello everyone good morning this is mahisha from surat welcome to my youtube channel this video is first under 10 subject social science chapter number 13 manufacturing industries part 2 so friends in last video we talk about the in, uh, importance of the industries and classification of the industries in that we talk about cotton industries now in today's video we have to talk about uh, another agro-based industries as well as chemical industries okay so uh, before i start video uh, always i am telling that keep a notebook and pen with you and whenever you think that this is important note that you must write down in your notebook and uh, that will be help you in your revision work. So like the video, share the video, subscribe the channel, and press the bell icon. So uh, one another agro-based industries which is very uh, fluorized in our country that is jute textile industries. So this is the picture of jute crop. This is exactly jute crop. अब ये जो नीचे वाला पोषण है उसमें से जूट के ट्रेड और रॉप्स बनते हैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है वो हम देख रहे हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट एंड जूट एंड टेक्स द सेकंड प्लेस ऑफ एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश देयर आर अबाउट 70 जूट मिल इन इंडिया बट मोस्ट ऑफ देम आर कंसनट्रेटेड इन places like west bengal that too mainly in a hooghly basin in a narrow belt 96 km long and 3 km wide the jute industry supports about 2.61 lakh workers directly and 40 lakh small and marginal farmers who are engaged in cultivation in jute and mashta बट दे फेस अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक कॉम्पिटिशन फ्राम इंटरनेशनल मार्केट फ्राम कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश थाईलैंड ब्राज़ील फिलपाइंस एंड एक्सेट्रा सो जूट कैसे बनता है तो इस तरह से जूट के प्लान में से उसके थ्रेड बनाए जाते हैं आप यहाँ पर ये यह देख सकते हो ये और इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है ये जूट मिल का पिक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है ज्यूट इज सेकंड रैंक मेजर इंडस्ट्री इन ऑफ इंडिया इंडिया हॉल्स फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ ज्यूट एंड गुड्स मेड फ्रॉम ज्यूट इंडिया इज इंडिया इज एट सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट Of the total jute production of, uh, of the country, West Bengal produces about 80%, 80% 80% Andhra Pradesh about 10%, and the rest is produced by Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Assam, and Tripura. Much water is needed to purify jute, so most of the mills are located on the bank of Hooghly River. दिस इंडस्ट्रीज इज़ कॉन्सनट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल ड्यू टू चीपल लेबर फोर्स बैंक्स इंशो बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज पॉट फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटी एक्सेट्रा तो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है जूट का उसके जो फैक्टर्स है वो फर्स्ट है कि वहाँ पर लेबर चिप होता है सेकेंड है कि वहाँ पर बैंक और इंश्योरेंस का कवरेज अच्छा है और अनदर दैट दैट इज द पोर्ट रीजन तो वहाँ से एक्सपोर्ट फैसिलिटी बहुत इजी हो जाती है टुडे द डिमांड फॉर जूट हैज़ डिक्रीज बिकॉज ऑफ अदर ऑप्शन इन पैकेजिंग मटीरियल फॉर गुड्स जैसे प्लास्टिक है पेपर बैग्स है जूट इंडस्ट्री इज़ फेसिंग सच प्रॉब्लम्स लाइक मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट्स क्योंकि पहले के ज़माने में जो प्रोडक्शन पैकेजिंग होता था वो जूट की बैग में होता था घनी बैग भी हम जिसको बोल बोलते थे अब आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे पैकेजिंग ऑप्शन है मेजर तो प्लास्टिक है उसकी वजह से जूट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है एंड जूट इंडस्ट्रीज सफरिंग विद सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट है सिल्क टेक्सटाइल तो ये है सिल्क टेक्सटाइल इंडिया में देखिए ये सब जगह पे सिल्क प्रोड्यूस होता है और पहले के ज़माने में यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे यहाँ से सिल्क हम लोग सेल करते थे और ये सिल्क वॉम है इसमें से सिल्क बनता है सबसे पहले जो सिल्क प्रोड्यूस हुआ था वो चाइना में हुआ था और चाइना ने थाउजेंड इयर्स तक वो सिल्क की टेक्निक किसी को बताई नहीं थी क्योंकि सिल्क में से उसको बनाया जाता है इसमें सिल्क वाम को मारा जाता है तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज सिल्क सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटेन्स सेक्रेटेड इन द फ्लूड स्टेट बाय अ कैटेपिलर पॉपुलरली नॉन एज सिल्क वॉम दिस सिल्क वॉम्ब फीड्स ऑन द सिलेक्टेड फूड प्लांट्स एंड स्पिन कुकुन एज अ प्रोटेक्टिव सेल टू परप्यूटेड द लाइफ म हैज़ फोर स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल एग कैटल पिलर पुपा एंड मौत मैनी इंटरफ्रियर्स दिस लाइफ साइकिल मैन इंटरफियर्स दिस लाइफ साइकिल एट द ककुन स्टेज टू ऑप्टेन द सिल्क अ कंटिन्यूस फिलामेंट ऑफ कॉमर्शियल इंपोर्टेंस यूज इन विविंग ऑफ द ड्रीम फैब्रिक तो ये इस तरह से सिल्क को ऑप्टेन किया जाता था डेट इज अगेंस्ट द नेचर यानी आपके पास राइट्स नहीं है कि आप अपने नीड्स के लिए किसी और को हार्म करो तो इसकी वजह से चाइना ने थाउजेंड ईयर्स तक ये किसी को बताया नहीं था कि वो कैसे सिल्क बनाते हैं बट आज की डेट में तो अब सिंथेटिक सिल्क सिल्क भी प्रोड्यूस होता है तो ये एक्टिविटी बहुत कम हो गई है सिल्क प्रोडक्शन हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन आफ्टर चाइना इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन अब ये एम में आ सकता है in india 4 types of silk are produced these are mulberry eri tassar and muga today there are about 300 silk weaving mills in india major states producing silk are karnataka madhya pradesh west bengal tamil nadu punjab and jammu kashmir Silken clothes are exported to europe africa gulf countries बिसाइज दिज आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू जर्मनी सिंगापोर यू एस ए कुत मलेशिया एंड रशिया इन इंटरनेशनल मार्केट इंडिया सिल्क इज़ फेसिंग अ टफ कॉम्पिटिशन फ्राम चाइना क्योंकि चाइना इज़ द मदर लैंड ऑफ द सिल्क इसके बाद जो एक है वो है वुलन तो ये वूलन का है इस तरह से वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है Uh, distribution of woolen textile industries, main concentration in Punjab, Haryana, Maharashtra, UP, Gujarat, Karnataka, West Bengal, and Jammu and Kashmir. Punjab leads uh, Dharival, largest center, other centers Ludhiana and Amritsar, Maharashtra center at Mumbai, UP center at Kanpur, Gujarat, Ahmedabad. Kashmir woolen products prepared from locally available fine quality wool. रेडी मार्केट थ्रू आउट द कंट्री इंपोर्ट सेंटर श्रीनगर श्रीनगर का वूल बहुत ही फेमस है और जो डिटेल है वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया मॉडर्न वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टार्टेड विथ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ लाल इमली एट कानपुर रूल बेस्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड थर्टी लैक्स

As a cottage industry, the history of woolen textile industry is very old. Maximum woolen textile mills are in Punjab. Next comes Maharashtra. There are woolen textile mills in UP also. Ahmedabad and Jamnagar in Gujarat are centers of woolen clothes. Other major centers are uh, Bikaner and Jaipur. इन राजस्थान श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड बेंगलुरु, इन कर्नाटका इंडिया आल्सो प्रोड्यूस वुलन कॉर्पेस वुलन क्लोथ्स इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका कनाडा, जर्मनी फ्रांस एंड रशिया एक्सेट्रा आफ्टर डैट सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये मैप है कि कहाँ कहाँ पे है और ये इस तरह से उसको प्रोड्यूस किया जाता है तो आज ये बहुत डिमांड में है और चीपर भी है द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर मेड बाई मैन इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड डज नॉट रिटेन रिंकल हैंज द इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेरी मच क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ड्यूरेबल है लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक चलता है और इसको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए ये इंडस्ट्रीज है वो स्पीड से डेवलप हो रही है द कॉटन फाइबर आर मिक्सड विथ सिंथेटिक फाइबर टू गेट मिक्स वेराइटी ऑफ क्लोथ फिर आ, जो कॉटन फाइबर होते हैं नेचुरल फाइबर उसको सिंथेटिक फाइबर से मिक्स करके अलग अलग वेराइटी प्रोड्यूस की जाती है जो हम नाम जानते हैं टेरी कॉटन ये सब जो नाम है कॉटन टेरी कॉटन ये मिक्स फाइबर है द काटन फाइबर्स आर मिक्स विथ सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन जैसे हम बोलते हैं पोलियस्टर मिक्स विथ सिंथेटिक फाइबर टू गेट मिक्स्ड वेराइटी ऑफ क्लोथ मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़ आर केरला गुजरात उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल तमिलनाडु एक्सेट्रा अदर सेंटर्स आर सूरत कानपुर मुंबई अहमदाबाद कोलकाता चेन्नई मोदीनगर एक्सेट्रा उसके बाद है शुगर इंडस्ट्री uh, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बुक में आपके खाली डिटेल्स दी है वहाँ पे ऐसा कोई पिक्चर नहीं है और ऐसे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी नहीं है ये आपको यहाँ वीडियो में ही देखने को मिल रही है तो शुगर इस तरह से प्रोड्यूस की जाती है ये शुगर मिल का फोटो है और इंडियन गवर्नमेंट ऑन शुगर इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट डिक्लेयर द दे न्यू पॉलिसी ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी नाइनटीन एट लाइसेंसिस फॉर न्यू फैक्ट्रीज विच शो दैट देर विल बी नो शुगर फैक्ट्री इन रिड्यूज ऑफ फिफ्टीन किलोमीटर सेटिंग अप ऑन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी एट कानपुर इन नाइनटीन एटी टू दुगर डेवलपमेंट फंड वॉज सेट अपू मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज तो ये रिफॉर्म्स हुए हैं और यहाँ पे है ओवरव्यू देखते हैं लोकेटेड इन रूरल रूरल हार्टलैंड डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो मोस्टली रूरल एरिया में रिमोट एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है सेक्टर सपोर्टिंग फिफ्टी मिलियन फार्मर एंड देर फैमिलीज अराउंड रुपीज फिफ्टी फाइव करोज कैन प्राइस पेड इन 2010 11 टेन इलेवन एम्प्लॉयमेंट फॉर अराउंड ट्वेल्व परसेंट ऑफ द एंटायर रूरल पॉपुलेशन इन मेजर नाइन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वन ऑफ द मोस्ट एन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री सर्विंग सेवर रिक्वायरमेंट्स तो रिक्वायरमेंट्स क्या है सप्लाइंग इको फ्रेंडली बेस बेग्स बेस्ड एनर्जी फॉर कंजपसन अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल फोर थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड मेगावॉट मेनस्टे ऑफ अल्कोहल इंडस्ट्री एंड इको फ्रेंडली इथेनॉल ब्लैंडिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट पोजिशन इन द ग्लोबल शुगर स्पेस लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडिया वर्ल्ड सुगर प्राइस इम्पेक्टेड बाई इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिसीजन हमारा शुगर मार्केट के ऊपर बहुत कंट्रोल है मेकिंग जैगरी फ्रॉम द शुगर कैन जूस इज़ वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकंड आफ्टर टेक्सटाइल इन एग्रेरियन इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज इन इंडिया आफ्टर रिपिंग द क्रॉप ऑफ शुगर कैन इट हैज़ टू बी स्क्विज विथ 24 फोर आवर्स सो दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट रिड्यूस अदरवाइज इस शुगर कंटेंट विल डिक्रीज दैट इज़ वाई दुगर फैक्ट्रीज़ आर लोकेटेड नियर शुगर कैन ग्रोइंग सेंटर्स यानी ट्वेंटी फोर आवर में इसको स्क्वीज़ नहीं किया तो उसके अंदर की शुगर क्वान्टिटी कम हो जाती है इसलिए शुगर फैक्ट्रीज़ जो होती है वो शुगर कैन के, के जहाँ फार्म होते हैं उसके आजू बाजू होती है शुगर फैक्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र यूपी तमिलनाडु कर्नाटका आंध्र प्रदेश गुजरात एक्सेट्रा दिस इंडस्ट्री इज़ डेवलप्ड इन गुजरात एट बारडोली गंडेवी सूरत नवसारी व्यारा भरूच कोडीनार एंड तलाला गिर तो गुजरात में ये सब जगह पे शुगर इंडस्ट्रीज है और एक जो हमें बात करनी है आ, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ की वो है पेपर इंडस्ट्रीज तो ये है पेपर इंडस्ट्रीज इस तरह का अंदर का सिनारियो होता है यहाँ पे ये सब प्लेसेस है अकाउंट्स फॉर अबाउट वन पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पेपर प्रोडक्शन इट इज़ मेनली प्लांटेशन बेस्ड The industry provides employment to more than 0.12 million people directly and 0.34 million people indirectly. So, growth is increasing year to year increase. Now, the area of concern. India is a wood fiber deficient country. Inadequate raw material availability domestically is a major Con uh, concentrate for the paper industry. Ninety percent of wood demand met through industry driven agro social forestry, 10% uh, through government source and imports. Current demand for palpable wood by paper industry is about 11 million tons per annum, while domestic availability is 9 million. पर एन्यूम टन पर एन्यूम यूम टी पी ए मीन्स टन पर एन एन्यूम एन्यूम यानी ईयर डिमांड प्रोजेक्ट राइज टू फिफ्टीन मिलियन टी पी ए बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव गवर्नमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन अफोरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट वेलकम तो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया है कि जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप करें और स्पेशियली पल्प वुड चाहिए इसके लिए तो ऐसे फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज कर रही है पेपर इज मेड आउट ऑफ सॉफ्ट वुड बाम्बू ग्रास मॉलेसिस एक्सेट्रा इट इज़ प्रोड्यूस इन आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल उड़ीसा कर्नाटका गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तमिलनाडु हरियाणा एक्सेट्रा तो so ये सब वर्क में आपके आने के चांसेस है अब अगर हम बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सो दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी एंड दिस ऑल आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील सीमेंट फैक्ट्री एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल फील्ड ये सब दोज इंडस्ट्रीज वेर इन मिनरल्स आर यूज एज रो मटेरियल आर नॉन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ तो ये इसकी डि डेफिनेशन है इंडस्ट्रीज सच एज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कॉपर केमिकल फर्टिलाइजर सीमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज उसमें सबसे पहले आयन एंड स्टील प्लांट तो ये है पूरी उसकी डिटेल कहाँ पे है ये भी है कितना हमारा प्रोडक्शन है यहाँ पे पूरा ये डिटेल है कौन सी कौन सी कंपनीज़ है यहाँ पे क्रूड स्टील में तो बी एस पी डी एस पी आर आर एस पी बी एस एल आई एस पी सेल टाटा स्टील आर आई एंड एल एस आर आई एस पी ए टी जे एस डब्ल्यू ये सब ये प्रोडक्शन में आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में एंगेज है ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की और इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील है 2009-10 में थ्री थ्री टन हमने एक्सपोर्ट किया था सो लेट्स सी योर टेक्स्ट बुक वर्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द एक्सिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस इंडस्ट्री क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें आयन होते हैं बड़े बड़े मशीन में भी आयन हमें चाहिए मशीन्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन दिस कैन बी आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ की इंडस्ट्री द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयन इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया आयन वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेक स्वॉर्ड एंड दमास्कस द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूज आयन वॉज़ एस्टेब्लिश इन पोर्टनोवा इन तमिलनाडु तमिलनाडु में ये सबसे पहले इंडस्ट्रीज हमने इस्टेब्लिश की थी आयन प्रोडक्शन में ये जो दमस्कश है वो प्लेस का नाम है वहाँ पे स्वाड बनाई जाती थी इट वॉज़ क्लोज ड्यू टू सम रीज़न्स a successful production of raw iron was made at kulti in 1907 the factory established at jamshedpur started producing iron steel on very large scale factories were established at uh, Baranpur in west bengal and at uh, Bhadr bhadravati in karnataka iron and steel factories were also established in bilai roorkela and at दुर्गापुर तो ये प्लेसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसको आपको मैप वर्क में याद रखना है यहाँ पे सब प्लेसेस आपको मैप में दिखी जाएंगे लोकेशन कि कहाँ पे क्या है तो ये बिला स्टील प्लांट आपको दिख रहा है और ये मैप में भी आप देख सकते हैं प्लेसेस स्टेट वाइज यहाँ पे लोकेशन दिए है और यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट दिए हैं विजयनगर है, है सालम है ये भिलाई रोर केला, जमशेदपुर बोकारो दुर्गापुर ये सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस है इसको आपको याद रखना है ये वर्क में हंड्रेड परसेंट आ सकता है अदर लार्ज स्केल फैक्ट्रीज फाउंडेड इन बोकारो विशाखापटनम एंड सालम आयन और कॉल लाइमस्टोन तो आयन और और कॉल के बारे में हमने चैप्टर ट्वेल्व के वीडियोस में सब डिटेल्स में देखा है एंड मैंगनीज आर यूज एज रो मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग आयन स्टील आयन कैसे प्रोड्यूस होता है उसका भी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था अ मिनी स्टील प्लांट हैज़ बीन पाउंड नीयर हजीरा इन गुजरात द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आयन स्टील फैक्ट्रीज़ except tata is handed over to steel authority of india limited jisko sale ke naam se jana jata hai india ranks fifth in the world in iron and steel production to yahan hum fifth position pe hain to hum ye bol sakte hai ki hamare paas opportunity zyada hai agar technological development hamari country में हो, तो we earn lots of foreign exchange by making different kind of machines and tools in our कंट्री इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है वो है आ, ये देखिए टाटा आयन एंड स्टील प्लांट के बारे में ये सब कंपनीज है जो प्रोड्यूस करती है यहाँ पे देखिए ये पूरा किस तरह से आयन प्रोड्यूस होता है उसकी पूरी की पूरी मेथड यहाँ पे है रोलिंग एंड शिपिंग आयन मेकिंग किस तरह से ये पूरा बनाया जाता है ये मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस है ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे दिखाया नहीं गया है पहले मोल मोल्ट किया जाता है फिर कास्टिंग किया जाता है फिर रोल एंड सेपिंग उसको सेप दिया जाता है स्टील ट्यूब्स एंड पाइप स्टील सीट्स हॉट वाटर्स लेक फिर मार्केट में जाता है कल्चरल इनपुट्स पावर सप्लाई कैपिटल लेबर टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी मैनेजमेंट मार्केट फिजिकल इनपुट्स में रो मटेरियल्स इंक्लूडिंग कॉल आयन और स्क्रैप आयन स्टील एंड लाइमस्टोन स्टोन लैंड तो ये सब उसकी प्रोसीजर है इस तरह से आयन प्रोड्यूस होता है फिर ये है एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम कहाँ प्रोड्यूस होता है ये पूरे मैप में यहाँ पर दिखाया है और ये उसकी प्रोसीजर है कि किस तरह से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है देखिए स्टेप वन डाइजेशन स्टेप टू क्लैरिफिकेशन स्टेप थ्री प्रेसिपिटेशन आप यहाँ पे स्टेप्स उसके देख सकते हैं एंड स्टेप फोर कैल्सिनेशन और यहाँ पे इस तरह से एल्यूम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री द मिनरल इज लाइट इन वेट स्ट्रॉन्ग मेलेबल स्मूथ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी एंड रस्ट प्रूफ इसके ऊपर रस्ट नहीं लगता है बॉक्साइड इज द एल्यूमिनियम और अदर मिनरल्स आर मिक्सड विथ एल्यूमिनियम विच इज़ यूजफुल इन मेकिंग कार्स रेलवेज एरोप्लेन्स एंड मशीन्स अबाउट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ एक्सपेंसिज इज इंक्योर्ड इन इलेक्ट्रिकसिटी सो दिस इंडस्ट्री इज़ फाउंडेड वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिकसिटी एंड बॉक्साइड आर अवेलेबल ईजिली तो ज़्यादातर इसको इलेक्ट्रिकसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है इसलिए जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिकसिटी ईजीली प्रोड्यूस होती है ऐसा कोई रीजन या तो जहाँ पर बॉक्साइड और बॉक्साइड uh, जो है मेन मेटल एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए उसमें से ही एल्यूमिनियम बनता है तो वो जहाँ पर अवेलेबल होता है वहाँ पर एल्यूमिनियम रिफाइनिंग रिफाइनरी आपको मिलेगी फैक्ट्रीज़ प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम आर एस्टैब्लिश इन ओडिशा वेस्ट बंगाल केरला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है उसके बाद है कॉपर रिफाइनिंग तो ये देखिए कॉपर इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट बनती है कॉपर की यहाँ पे कुछ और भी डिटेल है सेवंथ लार्जेस्ट Copper smelter in the world, capacity to produce four lakh tons every year accounts for thirty-eight percent of copper needs in domestic market, runs into problems every now and then due to protects by locals. Domestic production import export, import export. और ये इंडिया में कहाँ पे कॉपर मिलेगा वो सब प्लेसेस हैं ये ये मैप मैंने हो सके उतने इंडस्ट्रीज में रखे जिससे आपको आइडिया आए द यूजेज ऑफ कॉपर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू प्रॉपर्टीज सच एज़ इजी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी एंड इट कैन बी मिक्स विद अदर मिनरल्स ईजीली तो एलोइ बनाने में कॉपर बहुत यूजफुल हैं और इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में कॉपर इज़ यूजफुल इन इलेक्ट्रिकसिटी इंडस्ट्री इन मेकिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एक्सेट्रा अब ये इम्पोर्टेंट लाइन है फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाई इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन आई सी सी एट घटशिला इन झारखंड इन नाइनटीन सेवेंटी टू आई सी सी वॉज हैंडेड ओवर टू हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एच सी एल बिसाइज एच सी एल टूडे कॉपर इज प्रोड्यूस बाई प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो येट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ सो इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड तो जितना कॉपर का हमारी नीड है हमारी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोड्यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए हमें इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है तो ये है आपकी कॉपर इंडस्ट्रीज तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज के बारे में अब यहाँ तक जो भी आपने देखा है वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप यू कैन टैक्स मी एनी टाइम एंड आस्क योर क्वेश्चन एंड आई होप दैट यू प्रिपेयर योर नॉट बेसिकली दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेपवर्क स्पेशली मेपवर्क में यहाँ से बहुत आने के चांसेस है इट इज़ फाइव मार्क मेपवर्क यू कैन गेन फाइव मार्क वेरी इजीली इफ यू